विषय है। इसी मंच पर मैं चाहता हूं कि एक गोष्ठी मनुस्मृति पर भी रखिए। क्यों नहीं चर्चा कीजिए कि आखिर क्यों इतनी वितृष्णा, क्यों इतना आक्रोश? हवालदार साहब मनुस्मृति लेकर आए थे, उन्होंने यहां पर दिखाया, तो मैं बड़ा खुश हो रहा था कि एटलीस्ट एक व्यक्ति तो ऐसा है जिसने मनुस्मृति की प्रति अपने पास रखी है। मुझे उम्मीद है कि कहां पर है वो हवालदार साहब? हाँ, मुझे उम्मीद है अजीत भाई ना कि आपने वो पढ़ी भी होगी, और मैं चाहता हूं कि आप सब भी उसको पढ़ें, और पढ़ने के बाद जैसे आज संविधान पर चार पांच वक्ता तैयार हुए, ऐसे चार पांच वक्ता संजय जी से मैं निवेदन करूंगा मनुस्मृति पर तैयार कीजिए, उस पर भी चर्चा कीजिए और अपने विचार प्रकट कीजिए, क्योंकि ये विचार प्रकट करने का अधिकार बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में आपको मिला है। और खूबसूरती ये है कि इस संविधान के बाद आप चाहें तो मनुस्मृति को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बाबा साहब को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता। पर आर्टिकल 19(1)(a) विच गिव्स यू दैट फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू इट हैज 8 रिस्ट्रिक्शंस इनटू इट। बोलने की स्वतंत्रता एब्सोल्यूट नहीं है, 8 प्रेस्क्राइब्ड रिस्ट्रिक्शंस है, क्या बोलें, कैसे बोलें और भाषा की मर्यादा में बोलें। आपकी भाषा से आक्रोश उत्पन्न नहीं हो जाए, सिविलाइज्ड एटमॉस्फेयर में डिबेट हो, यही बाबा साहब की देन है, यही बाबा साहब की सीख है। आप में से किसी स्पीकर ने कहा कि उनको कांग्रेस संविधान समिति में नहीं आने देना चाहती थी। अच्छा, मान ले ये सच है, तो क्या किया बाबा साहब अंबेडकर ने? 2-4 ट्रक जला दिए कि रास्ता रोको कर दिया? वो पहुंच गए ना संविधान समिति में, तो कौन सा मार्ग चुना? यू कीप गिविंग मी चैलेंजेस एंड आई कीप मूविंग। आप रोड़े अटकाते जाओ, हमें रोक नहीं सकते। ये जल की धारा की तरह की भावना अपने अंदर उत्पन्न कीजिए, आक्रोश नहीं, वरना संविधान के विरुद्ध हो गए आप। जिनको वो बात नहीं समझ में आ रही, उन्हें अपनी बात समझाइए, उकसाइए मत। आपको पता है, किसी स्पीकर ने बताया कि बाबा साहब अंबेडकर पश्चिम बंगाल की एक सीट से चुनकर पहुंच गए। क्षमा कीजिएगा, वो पश्चिम बंगाल नहीं, पूर्व बंगाल था, जो कि बाद में पाकिस्तान बन गया। यानी कि भारत के संविधान का शिल्पकार की सीट ही पाकिस्तान चली गई, बिकॉज वो पूर्व पाकिस्तान बना, जो आज बांग्लादेश है। क्या आप जानते हैं ये बात? जिस सीट से चुनकर वो संविधान सभा में पहुंचे, वो सीट ही चली गई, पार्टीशन हो गया, और पार्टीशन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की प्रक्रिया के दौरान हुआ था। 2 साल 11 महीने 18 दिन में ये संविधान बना है, और इसी दौरान पार्टीशन हो गया। आपको पता है 1946 में पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सभा हुई संविधान के मेकिंग के लिए, और स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को। तो 1946 से यह प्रक्रिया शुरू हो गई थी, स्वतंत्रता बीच में मिली, पार्टीशन हो गया, और पूरा संविधान सभा रिकॉन्स्टिट्यूट की गई। क्योंकि बहुत सारे लोग जो मुस्लिम लीग के थे, ओरिजिनल संविधान सभा में थे, वो तो पाकिस्तान चले गए, और जो बहुत से हिंदू और मुस्लिम्स जो हिंदू जो इंडिया में रह गए, उनकी सीट्स पाकिस्तान चली गई। तो सारा कुछ रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, ये आपको अध्ययन करने से ही पता चलेगा। और मुझे बहुत खुशी है
कि आपका इंस्टीट्यूट एक ऐसा एकमात्र इंस्टीट्यूट है जिसके पास संविधान की ओरिजिनल कॉपी भी रखी है और संविधान बनने की प्रक्रिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स हुई उसकी प्रति भी संजय ने बताया कि लाकर यहां रखी है। ये ज्ञान का भंडार है, जिस ज्ञान को लेने आप इस इंस्टीट्यूट में आए हैं उपयोग कीजिए। धन्यवाद है गायकवाड़ जी का कि ऐसा इंस्टीट्यूट क्रिएट किया और ऐसा एनवायरनमेंट दिया और इतने ज्ञान के भंडार को लाके आपके बीच रख दिया, पर आपको अपने चरित्र से आक्रोश निकालकर ज्ञान भरना है। और जितना जितना ज्ञान भरेंगे उतना उतना आक्रोश कम होता जाएगा। कहते हैं थोथा चना भाजे घना, मटका खाली होगा तो आवाज ज्यादा करेगा, भर दो तो आवाज ही नहीं आती। जब आप अपने मस्तिष्क को ज्ञान से भर देंगे कोई आक्रोश का स्थान ही नहीं बचेगा। और वो रियल सर्विस होगी डॉक्टर साहब अंबेडकर की। अब कल और आज की बात हो गई तो आने वाला कल, आने वाले कल में किसी वक्ता ने यहां पर कहा कि राइट टू वोट को ड्यूटी टू वोट में कन्वर्ट कर दो। बहुत अच्छी बात है, मगर मानेगा कौन? आप करके तो देखो, 200-250 ट्रक और जल जाएंगे, ट्रेनें के पटरी उखड़ जाएंगी। प्रॉब्लम ये है कि आपको क्या लगता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स इतने वॉल्यूम में यहां रखी है और जिन लोगों ने ये संविधान का क्रिएशन करके हमको दे दिया, उन्होंने क्या इस विषय पर विचार नहीं किया होगा? खूब विचार हुआ और ये समझ में आया कि आप उत्तरदायित्व देने से पहले दायित्व की भावना तो उत्पन्न करो। आप कोई भी उत्तरदायित्व निभा नहीं सकते जब तक आपके अंदर वो निभाने की भावना ना हो। कानून तो बहुत सारे हैं ना कि सिग्नल रेड हो तो रुक जाओ, पर अगर अंदर आपके उस दायित्व की भावना नहीं है तो आप सिग्नल नहीं हवलदार देखते हैं, नहीं है ना? चलो निकलो निकलो, हवलदार जी सही बोल रहा हूं, आप खड़े हो तो रुक गए, नहीं खड़े हो तो चलो। सिग्नल नहीं दिख रहा, वर्दी दिख रही है, क्योंकि भावना उत्तरदायित्व की नहीं है ना, भावना तो अराजकता की है। नियम उत्तरदायित्व से उत्पन्न होते हैं, भावना अगर आपके अंदर वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नियम तो है ना कि बाएं हाथ पर चलिए, और अभी मैं जब आपके इंस्टीट्यूट पर आ रहा था तो मेरे सामने से ही 2-3 गाड़ियां आ गई, तो मुझे बड़ा अचपचा लगा कि भाई ये क्यों नियम भंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे कन्वीनियंट लग रहा है यहां से टर्न कर रहे हैं। तो अगर कन्वीनियंस से आप टर्न करते जाएंगे तो कैसे होगा? इस वजह से जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने 42nd अमेंडमेंट में संविधान में होलसेल अमेंडमेंट्स किए तो उसमें आर्टिकल 51A part 3A 4A जोड़ा, part 4A आर्टिकल 15(1)(a) में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी और अभी 2002 के अमेंडमेंट के बाद 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी भी जुड़ गई। 10 छोड़िए, 2 भी याद है आपको? मुझे कौन 10-11 फंडामेंटल ड्यूटीज बता सकता है आप में से? प्लीज बताएं, मैं यहीं इसी मंच से उसको नमन करूंगा। अरे हमें सेंस ऑफ ड्यूटी है कहां? और जब फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई कॉन्स्टिट्यूशन में तो इतना हो हल्ला मचा, इतना शोर शराबा हुआ, इतना विरोध हुआ कि फाइनली उसको नॉन एनफोर्सेबल कैटेगरी में रख दिया।
कि अच्छा भैया रहने दो, मत फॉलो करना। तो कैसे आप ड्यूटी बनाओगे वोट देने की? जैसे ही आप ड्यूटी कुछ बनाओगे, हमारे अंदर वो आक्रोश उत्पन्न हो, आप कौन हमको बताने वाले? अरे वो सब तो छोड़ो, यहां तो लोग ये तक कह देते हैं कि अगर नेशनल एंथम हो रहा है तो मैं नहीं खड़ा होता, आप कौन बताने वाले खड़ा करने के लिए? मेरा मन है, नहीं खड़ा होता, मेरे मन में सम्मान बहुत है। जब आप कहें कि अरे सर ये तो सम्मान का सिंबल है, खड़े हो जाओ, आपको कैसे पता मेरे मन में सम्मान नहीं है? अब लो, वाकई नहीं पता। जैसे हमारी श्रीमती जी यहां बैठी हैं, वो पूछती हैं, जब वो मुझ पर बहुत गुस्सा हो जाती हैं, डांटती हैं, डपटती हैं, तो मैं कहता हूँ अरे भाई क्यों गुस्सा? तो कहते हैं आपको कैसे पता मुझे प्यार नहीं है? वाकई लगता, हाँ भाई पता तो नहीं चल रहा, डांट ही डांट पड़ रही है, कुछ प्यार की भावना उत्पन्न हो तो मालूम पड़े, नहीं पता चल रहा। तो मुझे ये नहीं समझ में आता, जैसे मुझे वो प्यार नहीं पता चलता डांट खाते समय, आपको कैसे पता चल रहा है कि सम्मान है देश के लिए? कोई भी चीज बिना प्रदर्शन के कैसे पता चले सामने वाले को? मन की बात कौन जानता है किसके मन में क्या है? इसलिए प्रदर्शन जरूरी है ना। आप प्यार प्रदर्शित करोगे तो प्यार ही मिलेगा सामने वाले को, ऐसा थोड़ी होगा कि ये किस टाइप का प्यार है, मुझे तो गुस्सा लग रहा है, ऐसे तो होगा नहीं। तो जब आप अपना सम्मान प्रकट ही नहीं करना चाहते और कह रहे हो हमारे मन में बहुत सम्मान है, मुझे मत सिखाओ देशभक्ति, मैं आपको बताऊं ये भी, ये जो प्रदर्शन नहीं करने की स्वतंत्रता है, ये भी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की देन है, इसी संविधान की देन है, जो कहता है नहीं खड़ा होना तो मत खड़े रहो। ये चाइना में नहीं है, त्यानानमन चौक पर 1988 में स्टूडेंट्स ने डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट मार्च निकाला, चाइना की गवर्नमेंट ने वार्निंग दी एक घंटे में डिस्पर्स हो जाओ, स्टूडेंट्स में बहुत जोश था, वो नहीं डिस्पर्स हुए, एक घंटे बाद ऑर्डर हुआ शूट देम। और आपको पता है कितने स्टूडेंट्स 20 साल से कम की उम्र के मार दिए गए? एक दिन में 10,000 से ज्यादा, एक चौराहे पे, क्योंकि वहां पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पैदा नहीं हुए, क्योंकि वहां पर ये संविधान नहीं मिला, हमको मिल गया है, हमें कीमत नहीं है।